इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज सबसे ज्यादा चर्चा टूल किट की है। नेता आपस में टूल किट की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक नई टूल किट भी है जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। इस टूल किट में महाकुंभ का जिक्र है, हरिद्वार का जिक्र है, हिंदू धर्म का जिक्र है। तो क्या कोई टूल किट ऐसी भी है जो सीधे सीधे एक धर्म के खिलाफ बात करती है, और ये काम कैसे करती है? ये समझने के लिए आपको इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस से लेकर सारे स्टेक होल्डर्स की बातचीत सुननी होगी, समझनी होगी। लोग पूछते हैं क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? ये समझने के लिए हमने उनसे भी बात की जो कुंभ में गए, उनसे भी बात की जिन्होंने कुंभ के खिलाफ एक दूसरी तरीके की नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की, और तब जाकर इस एंटी हिंदू टूलकिट का पुर्जा खुला। क्या कुंभ को जानबूझकर निशाना बनाया गया? क्या कुंभ को पूरी प्लानिंग के तहत सॉफ्ट टारगेट बनाया गया? कोरोना की सेकंड वेव को कुंभ से किसने जोड़ा, कैसे जोड़ा और क्यों जोड़ा? इंटरनेशनल मीडिया ने कुंभ को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा वाली कैसी कैसी हेडलाइन छापी? कुछ बड़े अखबारों की सुर्खियां पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अल जजीरा ने सुपर स्प्रेडर का ठप्पा लगाया। बीबीसी ने कुंभ को वायरस फैलाने वाला बताया। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत में कोरोना के सेकंड विस्फोट के लिए सीधे सीधे कुंभ मेला को कसूरवार ठहराया। द गार्डियन तो एक कदम आगे निकला, बाकियों ने सीधे सीधे कुंभ का नाम लिया, मगर ये तो सीधे हिंदुओं पर पहुंच गया, धर्म की बातें करने लगा। मगर क्या ये सब कुछ पहले से लिखी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था? क्या कुंभ को बदनाम करने वाला महागठबंधन बना? क्या दुनिया के नामचीन अखबारों में एंटी कुंभ कैंपेन का नैरेटिव चलाया गया? क्या इस एजेंडे के पीछे कोई पॉलिटिकल दिमाग था? कांग्रेस के माउथपीस नेशनल हेराल्ड में छपी इस हेडलाइन की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी? कांग्रेस के नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन पर एंटी कुंभ वाले हैशटैग क्यों घूम रहे थे? और सबसे बड़ी बात कि क्या ये महज संयोग था या कोई बहुत बड़ा प्रयोग था जिसके तहत बाकायदा एक टूल किट में कुंभ का जिक्र हुआ? बार बार सुपर स्प्रेडर कुंभ वाले मैसेज फैलाए गए, सेम टू सेम टेक्स्ट हर मोबाइल पर पहुंचाए गए, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से सांठ गांठ की बात कही गई। सोची समझी साजिश के तहत कुंभ को बदनाम करने वाली जो पटकथा लिखी गई, अब उसने देश के सबसे प्रतिष्ठित जूना अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद को नाराज कर दिया है, उनका गुस्सा फूट पड़ा है। इंडिया टीवी के कैमरे पर स्वामी अवधेशानंद ने बहुत कुछ कहा है, कुंभ को बदनाम करने वालों को एक्सपोज किया है, इसलिए आज आप सबको उनकी बातें सुननी चाहिए। आज हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताएंगे कि कैसे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक कोरोना की दूसरी लहर के लिए बेवजह कुंभ को बड़ा मुद्दा बनाया गया। फैक्ट्स चौंकाने वाले हैं, एक एक चीज हैरान करने वाली है। जिस वक्त 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ मेला की घोषणा हुई, उस वक्त कोरोना की पहली लहर लगभग कम हो चुकी थी, कुल मामले 10,000 की रेंज में थे। महामारी को देखते हुए इस बार कुंभ का ड्यूरेशन कम कर दिया गया और सिर्फ एक महीना रखा गया, मगर 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ के ऐलान के साथ ही देश और विदेश में बैठे वल्चर एक्टिव हो गए और कुंभ के खिलाफ एजेंडा चलना शुरू हो गया। कुंभ के दौरान साइंटिफिक और डेटा बेस्ड एनालिसिस करने पर पता चलता है कि कुंभ ने दूसरी लहर को बढ़ने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। इसे चार अलग अलग मैप से समझिए। 25 से 31 जनवरी के बीच देश के 20 जिले ऐसे थे जहां रोज 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए जा रहे थे। 22 से 28 फरवरी के बीच 33 जिलों में डेली केसेस की संख्या 100 से ज्यादा थी। 25 से 31 मार्च के बीच देश के 89 डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे, जबकि 24 से 30 अप्रैल के बीच जिलों की संख्या बढ़कर 471 हो गई, जहां हर रोज 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे। फरवरी और मार्च का नक्शा ये बताता है कि दूसरी लहर पश्चिम भारत से उठी, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया।
मगर कुछ मोदी विरोधियों और पश्चिम मीडिया ने खबर फैलाई कि कुंभ तो कोरोना का सुपर स्प्रेडर निकला, हरिद्वार से पूरे इंडिया में कोरोना का सेकंड वेव फैल गया। इस पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद की सुनिए, आपको कुछ क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। हम काफी दिन से ऐसा देख रहे हैं कि एक नैरेटिव्स खड़ा किया जा रहा है, हमारी संस्कृति, संस्कार, परंपरा, पर्व और जो मान्यताएं हैं उनको एक तरह से लक्षित किया जा रहा है, केंद्रित किया जा रहा है। पीछे हम ऐसा अनेक बार अनुभव कर चुके हैं कि कुछ अलग तरीके के भ्रामक प्रचार, अलग प्रकार की कोई एक ऐसी परिस्थितियां बताई जा रही हैं कि ये कोरोना का संक्रमण कुंभ से आया है, जबकि पूरे प्रदेशों के आंकड़े कुछ और कहते हैं। वहां पर कोरोना की प्रचंडता थी, हरिद्वार में इस तरह के केस नहीं थे, हरिद्वार में इस प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं था। कुंभ और हरिद्वार को लेकर जैसा गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, अब उसकी एक दूसरी और असली फैक्ट शीट देखिए। कुंभ के दौरान देश के प्रमुख शहरों की पॉजिटिविटी रेट देखने पर पता चलता है कि दूसरी लहर कुंभ की शुरुआत से पहले ही देश के दूसरे हिस्सों में तबाही मचा रही थी। मसलन उस वक्त नागपुर में पॉजिटिविटी रेट पीक पर थी, इसकी तुलना में हरिद्वार और देहरादून में केस उतने ऊपर नहीं गए थे। ठीक इसी तरह रायपुर में भी पॉजिटिव केसेस का ग्राफ हरिद्वार और देहरादून के मुकाबले काफी ऊपर था। विशाखापट्टनम में भी ऐसा ही हाल था, वहां भी नंबर्स बाकी दोनों के मुकाबले ज्यादा थे। अब एक और आंकड़ा देखिए, 1 अप्रैल यानी जिस दिन कुंभ की शुरुआत हुई उस दिन हरिद्वार का पॉजिटिविटी रेट 1.3% था। 12 अप्रैल को 35 लाख श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया, 14 अप्रैल को 14 लाख श्रद्धालु इकट्ठा हुए। इसके 3 हफ्तों यानी 2 शाही स्नान के बाद 22 अप्रैल को हरिद्वार का पॉजिटिविटी रेट 3.5% था। ध्यान देने वाली बात है कि कुंभ शुरू होने के बाद हरिद्वार में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा जरूर, लेकिन वो सेफ लिमिट के भीतर थी और इस सेफ लिमिट का पैमाना है 5% या उससे कम। मगर ये फैक्ट दुनिया से छिपा लिया गया, ना तो विदेशी मीडिया ने हेडलाइन बनाई और ना ही मोदी विरोधियों ने इसे आप तक पहुंचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। एक कुंभ को लेकर और कुछ अलग तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं कि कुंभ को टारगेट किया जाए, परंपराओं को टारगेट किया जाए। पिछले दिनों हमने देखा टाइम मैगजीन में किस तरह से लाशें दिखाई गई, किस तरह से अफरा तफरी दिखाई जा रही है। तो एक सुनियोजित ढंग से एक भ्रामक प्रचार, एक दुष्प्रचार, एक अलग रणनीति के साथ में हमारे जो मान बिंदु है, जो हमारी परंपराएं हैं, विशेषकर जैसे कुंभ है, कुंभ तो एक मानवता की एक प्रकार से धरोहर है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। पर जिस ढंग से टूल किट के माध्यम से अन्य और जिस तरह के षड्यंत्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरे विश्व में, विश्व पटल पर हिंदू धर्म संस्कृति, उसके मूल्य, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, जो विश्व को एक परिवार मानते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु सभी प्राणी हमारे हैं, इस प्रकार से जो सभी के सम्मान, स्वाभिमान, निजता और अधिकारों की रक्षा की बात कहते हैं, अरे हिंदू धर्म संस्कृति के मर्म को तो पहचानो। यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा ख्याल रखा गया, मगर दूसरे राज्यों में जब कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी तो प्रधानमंत्री ने सीधे स्वामी अवधेशानंद गिरी को फोन मिलाया। मोदी ने 2 शाही स्नान के बाद कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की सलाह दी, जिसके जवाब में समय से पहले ही कुंभ के समापन का फैसला ले लिया गया। मगर देश और विदेश में ये खबर सुर्खियां नहीं बनी, बल्कि इसके उलट यही फैलाया गया कि कुंभ की वजह से ही भारत में कोरोना का दूसरा विस्फोट हुआ है, और इसके लिए अपनी सुविधा के मुताबिक एडिट करके वीडियो भी फैलाए गए, तस्वीरें भी शेयर की गई। लोगों ने जिस तरह की भीड़ हमारे आती है वैसी नहीं आई थी, कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जिनमें भीड़ दिखाई दे रही है, स्वाभाविक है। इन विजुअल्स में जो मैं भी देख रहा हूं, इनमें कुछ भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात की और हमको भी लगा कि कोरोना का कोई प्रभाव बड़ा हो सकता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने 3-4 घंटे में ही कुंभ को विसर्जित कर दिया। एक बड़ी विराटता, एक बड़ी व्यापकता, जो एक विश्वव्यापी एक बड़ा आयोजन, उसको कुछ ही घंटों में समर्पित कर दिया गया, विसर्जित कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब फोन आया तो हम सब संतों ने इस प्रकार का एक मानस बनाकर कुछ ही घंटों में उसकी एक प्रकार से विसर्जना कर दी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, कुछ खास विजुअल दिखाकर और कुछ दृश्य दिखाकर ये न बताया जाए कि यहां से कोरोना का संक्रमण फैला।
इन फेक नैरेटिव के बीच कुंभ के नाम पर फेक न्यूज भी जमकर फैलाए गए। मसलन इस खबर को देखिए, सरकार के हवाले से यह चलाया गया कि कुंभ मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट बनता जा रहा है। एसओपी फॉलो नहीं की जा रही है। इसके जवाब में बाद में खुद हेल्थ मिनिस्ट्री को सामने आकर इस खबर पर फेक न्यूज का सर्टिफिकेट देना पड़ा। फेक न्यूज ही नहीं, कुंभ के नाम पर टूल किट के बहाने हिंदुओं पर सियासी हमले किए गए। मोदी को घेरने के लिए जानबूझकर सुपर स्प्रेडर कुंभ वाला हैशटैग घुमाया गया। दिल्ली से लेकर अमेरिका तक इसका ढिंढोरा पीटा गया और इस दौरान पॉलिटिकल बयानबाजी भी हुई। मसलन 17 अप्रैल को मुंबई के मेयर ने क्या कहा, ये सुनिए। इन्होंने कैमरे पर कहा कि कुंभ से लौटे श्रद्धालु कोरोना का प्रसाद लेकर लौटेंगे। मुझे अभी पता नहीं है कौन गए हैं, कौन आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यही जैसा लास्ट दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ अपना मुस्लिम बांधवों का 27 लोग आने के बाद जो बढ़ गया, वैसे भी आज भी हर राज्य में ये लोग प्रसाद जैसा कोरोना बांटेंगे और बहुत ही हर राज्य इफेक्ट होगा। इसीलिए पंतप्रधान सम्माननीय मोदी सर ने जो ट्वीट किया है वो सही किया है, बंद होना चाहिए। वैसे कुंभ के नाम पर ये सियासत अभी रुकी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता पहले दिन से कुंभ के खिलाफ नैरेटिव चलाकर मोदी पर अटैक कर रहे हैं और कुंभ का नाम अभी भी इनकी जुबान पर अटका हुआ है। कुल मिला के इस महामारी के दौर में गंदी राजनीति करना, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल अनुचित है। पब्लिक के सामने एक्सपोज भी हो रहे हैं। आप ये बताइए, इसका जवाब कौन देगा कि 40 लाख लोगों को कुंभ में जाने की इजाजत किसने दी? ये लोग गांव में लौट के आए और ये महामारी गांव में फैली, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोग? ये गंदी राजनीति करने का वक्त नहीं है। आज गांव गांव में जो संक्रमण फैला है, वो 40 लाख लोग कुंभ में गए, वो गांव में लौट के गए, गांव में फैल गया। इन हेडलाइंस और लीक हुए टूल किट ने एंटी कुंभ नैरेटिव चलाने वालों को एक्सपोज कर दिया है और जो लोग अभी भी कुंभ को बदनाम करने वाली पटकथा लिख रहे हैं उन्हें स्वामी अवधेशानंद गिरी की ये सलाह सुन लेनी चाहिए। मुझे ये बात कहना है कि पॉलिटिकली वो कुछ करें, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की राजनीतिक प्रायोरिटियां पूर्ति करें। हमें किसी राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा की पूर्ति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 130 करोड़ लोगों का अपमान तो ना करें। भारतीय परंपराओं को तो एक प्रकार से दुष्प्रचारित ना करें। राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक अगर किसी को अपना उत्साह वर्धन करना है, राजनीतिक दृष्टि से किसी को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, तो वो जरूर की जाए, पर उसके लिए कुंभ जैसी चीज को केंद्रित न करें। सच तो ये है कि दूसरी लहर के बीच कोरोना वायरस मोदी विरोधियों का फेवरेट हथियार बना हुआ है, मगर सियासत चमकाने के लिए मोदी विरोधी कुंभ को बदनाम करने की सुपारी ले लेंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज प्रधानमंत्री ने भी बात की और बहुत दिल से बात की, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी अपनी नीयत और नीति काशी के लोगों के साथ शेयर करते समय इमोशनल हो गए। जो लोग मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हैं उन्हें काशी का मॉडल समझना चाहिए। कोरोना कैसे कंट्रोल होता है इसे काशी ने करके दिखाया। ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। काशी के डॉक्टरों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री इमोशनल हो गए। कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बनकर टूटी है। संकट काल में नरेंद्र मोदी कभी भावुक नहीं होते, लेकिन काशी के लोगों के सामने मोदी खुद को रोक नहीं पाए।
कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सबसे हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। बनारस तो वैसे भी सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आया। प्रधानमंत्री का पद प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो इमोशनल हो और इमोशन में कोई फैसले करें। नरेंद्र मोदी ने अपने इमोशन पर काबू किया और मुद्दे पर आ गए। इन दिनों पूरे देश में काशी मॉडल की बहुत चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी उसी मॉडल के बारे में डॉक्टरों से संवाद कर रहे थे। क्या है कोरोना कंट्रोल का काशी मॉडल? काशी मॉडल ने दूसरी लहर को कैसे रोका? काशी मॉडल तीसरी लहर को कैसे रोक सकता है? क्या काशी मॉडल गांवों को भी बचा सकता है? काशी प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। काशी में कोरोना की क्या सिचुएशन है, इससे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जुड़ी है। जिस दौरान दिल्ली और मुंबई में कोरोना पीक पर चल रहा था, उस समय काशी में भी कोरोना का रेट हाई था। 20 अप्रैल को काशी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 40% तक पहुंच गया था। 20 मई से वहां पॉजिटिविटी रेट 4% से भी नीचे है। 20 अप्रैल के आसपास काशी में रोजाना 2700 मरीज आ रहे थे। आज रोजाना नए केसेस की तादाद 250 से भी कम है। काशी में एक महीने के अंदर ऑक्सीजन बेड 430 से बढ़ाकर 2400 तक किया गया। आज उनमें से 1600 से ज्यादा बेड खाली है। तो काशी ने ऐसा क्या किया कि एक महीने में ही कोरोना काबू में आ गया? क्या काशी का ये मॉडल देश के दूसरे जिलों में भी लागू किया जा सकता है? क्या काशी मॉडल गांवों में भी कारगर हो सकता है? पिछले 7 सालों से यहां के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर भी ये असाधारण परिस्थिति रही। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए, कई नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। बनारस समेत पूर्वांचल में नए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है।
नरेंद्र मोदी के काशी मॉडल को अब बारीकी से समझते हैं। काशी में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के क्षेत्र हैं। मंदिरों का ये शहर 5000 साल पुराना है, लेकिन इसके आसपास ग्रामीण इलाका है। काशी मॉडल में शहर और गांव दोनों को मिलाकर एक कवच तैयार किया गया है, जिसे काशी कवच का नाम दिया गया है। काशी में एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाया गया। कमांड सेंटर काशी का ये फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर है। ये कोविड कमांड सेंटर 24/7 काम करता है। कोरोना से जुड़ा हर कॉल सबसे पहले यहीं पर आता है। शहर के सारे पैथोलॉजी लैब इस कमांड सेंटर से जुड़े हैं। काशी में 2 ऑटोमेटिक RT-PCR टेस्टिंग मशीन लगाई गई। 4 से 5 दिनों में आने वाली रिपोर्ट 24 घंटे में आने लगी। रिपोर्ट के बाद मरीज से बात करते डॉक्टरों की टीम डिसीजन लेती है। IMA के डॉक्टर टेलीमेडिसिन से इलाज बताते हैं। स्विगी और जोमेटो के कुरियर्स घर घर दवा पहुंचाते हैं। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। काशी के डॉक्टरों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी भावुक क्यों हुए, इसे समझना हो तो काशी के मणिकर्णिका घाट की ये तस्वीरें याद कीजिए। ये आज का वीडियो नहीं है, ये 17 अप्रैल की तस्वीरें हैं, जब काशी के इस प्रसिद्ध शमशान घाट पर शवों की कतार लग गई थी। काशी के कई परिवारों ने अपनों को खो दिया, मगर अब काशी के हालात बदल चुके हैं। सख्त लॉकडाउन और माइक्रो मैनेजमेंट से ये मुमकिन हुआ है। काशी में माइक्रो प्लान के तहत अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए। BHU में DRDO ने 750 बेड का अस्पताल बनाया। DRDO के अस्पताल में 250 ICU के बेड तैयार किए गए। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए मजिस्ट्रेट लगाए गए। दवाइयों की कालाबाजारी पर सख्ती से लगाम लगाई गई। काशी में संक्रमण रोकने के लिए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए गए। एक घर में संक्रमण होने पर सिर्फ उसकी घेराबंदी की गई। 2 घरों में संक्रमण होने पर आसपास के 5 घरों की निगरानी बढ़ाई गई। इससे अधिक संक्रमण होने पर गली या मोहल्ले की घेराबंदी की गई। घर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग निगरानी समितियां बनाई गई। हर समिति को ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और दवाइयां दी गई। काशी के ग्रामीण इलाकों में BHU के डॉक्टर घर घर जाकर हेल्थ चेकअप करते हैं। जहां बीमार वहीं उपचार, नरेंद्र मोदी का ये मंत्र काशी ने जमीन पर सच करके दिखाया। काशी के गांवों में स्वास्थ्य, रेवेन्यू और पंचायत कर्मचारियों की मल्टी डिस्पेंसरी टीम बनाई गई, जिसकी कमान SDM और ADM रैंक के अफसरों को दी गई। साथियों, आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा, हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए हम सब, हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है।
इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। बहुत से लोग आपको ये बताने वाले मिल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मन की बात सुनते हैं, वो डॉक्टरों की भी नहीं सुनते। क्या मोदी ने काशी के डॉक्टरों से बात करके उनका टाइम बर्बाद किया? हमने मोदी की मीटिंग में शामिल हुए कई डॉक्टरों से बात की। उन्होंने हमें बताया कि मोदी ने बनारस के चार प्रमुख DRDO अस्पताल, BHU अस्पताल, कबीर शोरा अस्पताल और टाटा अस्पताल के डॉक्टरों की बात सुनी, काशी मॉडल के बारे में गंभीर होकर सुना, फिर अपनी बात बताई। प्रोएक्टिव अप्रोच और परफेक्ट एग्जीक्यूशन से काशी मॉडल कामयाब साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री इस मॉडल को दूसरे जिलों में भी लागू करना चाहते हैं। गांव के लोगों के लिए मोदी ने जब टेली मेडिसिन का सजेशन दिया था तब इसका मजाक उड़ाया गया था, काशी ने उसको हकीकत बनाकर दिखा दिया है। प्रधानमंत्री को मालूम है कि देश बहुत बड़ा है, कोरोना का चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। कोरोना डाउन जरूर हो रहा है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक धूर्त किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है, उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है। कोरोना के साथ एक नई महामारी मोदी के सामने चैलेंज बनकर खड़ी है। काशी के डॉक्टरों के साथ मोदी संवाद में ब्लैक फंगस का मसला भी आया। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। काशी से मिला तजुर्बा पॉजिटिव है। काशी में मोदी मॉडल ने कोरोना को हराने का रास्ता दिखाया है। आने वाले दिनों में ये मॉडल पूरे देश में लागू हो तो हैरान मत होइएगा। बहरहाल कोरोना की महामारी अपने चरम पर है और ध्यान रखिए, एक आदमी चेन तोड़ता है और इसका असर 400 से ज्यादा लोगों पर पड़ता है। 400 से ज्यादा लोगों को खतरे में डालता है एक आदमी। सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम है क्योंकि लोगों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। हमारे पास ऐसी देशभर से तस्वीरें आ रही हैं जो बताती हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी लोगों का तमंचे पर डिस्को जारी है। अब ये क्यों कह रहे हैं आप तस्वीरें देखकर समझेंगे। क्या है ये बीमारी और इसका इलाज खुद समझिए। अराजकता का कोई अंत नहीं है, गुंडागर्दी की कोई सीमा नहीं है। लोग महामारी से मर रहे हैं मगर यहाँ इन जनाब को अपना भौकाल दिखाने से फुर्सत नहीं है। बारात में पिस्टल दिखानी है तो दिखानी है, आप भी देखिए। हालांकि पुलिस एक्टिव हुई तो जल्द ही सलाखों के पीछे जाना पड़ा, मगर हर बार पुलिस इस तरह एक्टिव नहीं हो पाती और भाई अपना भौकाल दिखाने से बाज नहीं आते। वायरस से लड़ने के लिए यह बंदूक का इस्तेमाल है। मगर मत भूलिए कि ये फर्जी बवाल है। वायरस से जंग ऐसे नहीं होगी, ना बंदूक से, ना तीर से, ना तलवार से। भाइयों को किसी बात की फिक्र नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। गौर से देखिए, ये भीड़ देखिए और समझिए, कोरोना भीड़ का दोस्त है और ये लोग इंसानियत की जान के दुश्मन हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की ये हरकत सामने आई। पुलिस एक्टिव हुई तो केस दर्ज हुआ, मगर केस किसी काम का नहीं है। बीमारी को लेकर जागरूकता जरूरी है, वायरस को लेकर एक्टिव होना जरूरी है। हम कितने हैं, तस्वीरें गवाह हैं। SP साहब की सफाई भी सुन लीजिए। हालांकि ये सिर्फ सफाई है, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा।
कल ऐसी सूचना आई थी कि कुछ लोग कचनाव कला गांव के पास में एकत्र हुए, सूचना पे तस्दीक के लिए थाना प्रभारी को भेजा गया था और उस पर जब जमावड़ा मिला तो चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस आधार पे वैधानिक कार्रवाई, थाने पे एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब ये भीड़ देखिए, भीड़ की ये तस्वीर देखिए, समझने की कोशिश करिए, ना समझ आए तो हम आपको बताएंगे। जनाब ये भीड़ यहां इकट्ठा हुई है कोरोना की आयुर्वेदिक दवा के लिए। कतार देखिए, लगातार देखिए, आयुर्वेद पर हमारा पूरा भरोसा है, मगर इस भीड़ को देखिए, इसका अप्रोच देखिए, ये चिकित्सा का नहीं अंधविश्वास का मामला ज्यादा दिखता है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है जनाब, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, क्या केवल सिस्टम को जिम्मेदार ठहराकर बच जाएंगे आप? ये भीड़ का मजाक, ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खिलवाड़, पहले खुद को संभालिए जनाब, अपनी जिम्मेदारी को समझिए जनाब। सब्जियां खरीदने के लिए ये भीड़ देखिए, लोगों की भावना समझिए। आप समझ जाएंगे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कितने गंभीर हैं। शॉर्ट टाइम दिया है 6 से 10 का, लोग उठते हैं लेट, 9 बजे 8 बजे उठने के बाद जो भी प्राइम टाइम है बंद होने के टाइम पे 8 से लेकर 10 तक जबरदस्त भीड़ हो रही है। थोड़ा लॉकडाउन का टाइम बढ़ाए तो लोग आराम से खरीद कर सकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग 6 बजे नहीं, 8 बजे से 2 बजे तक का रखने से ये जो अभी जितनी भी तकलीफ हो रही तो पूरी दूर हो जाएगी। 8 से 2 का लॉकडाउन टाइम रखे तो बहुत ही अच्छा है। ये टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा सर, सीएम साहब को सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है, अपने कमिश्नर साहब को, कि आप 6 बजे से 10 बजे का जो टाइमिंग लगा है वो बहुत गलत टाइमिंग है, और वो 9 बजे 8:30 के बाद कस्टमर आना चालू हो रहा, तरकारी मार्केट समझो, कपड़े की दुकानों में समझो, या किराना मार्केट में गड़बड़ होते जा रही बहुत, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो नहीं हो रहा और पब्लिक जो हाइपर हो के व्हीकल्स लेके निकल रहे और ट्रैफिक जाम पूरा हो जा रहा सर। तो आपको रिक्वेस्ट एक ही है कि आप ज़रा 6 बजे से लेके आप 1 बजे तक का टाइमिंग हमारे को परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यूपी के गाजीपुर में दंगल चल रहा है। ये दंगल 2 पहलवानों के बीच है, मगर किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि कितनों की जिंदगी दांव पर है। सोशल डिस्टेंसिंग किसी के लिए मैटर नहीं करती साहब। पहलवानी देखिए, पहलवानी की कहानी देखिए, सरकार को गाली देना आसान है, सिस्टम को गाली देना आसान है। अजब हालत है, एक सब्जी बेचने वाली महिला केवल इसलिए साहब के गुस्से का शिकार हो जाती है कि उसने सड़क किनारे दुकान लगा रखी है। देखिए किस तरह साहब अपना गुस्सा उतार रहे हैं। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे अपनी दुकान उठाने में थोड़ी देर हो गई थी। मगर समझिए ये देश आपका है, घर आपका है, लोग आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, ये सब बचेगा, थोड़ा तो जिम्मेदारी दिखाइए। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, ये वक्त की जरूरत है, इसे समझिए। सबक एक ही है, कोरोना को लेकर लापरवाही ना करें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, थर्ड वेव का डर लगने लगा है। यूपी के मुख्यमंत्री ने आज इस तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ कहा आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।